हाँ दोस्तों, आज जो हम आए हैं दिल्ली में बली मारन के अंदर गालिब की हवेली देखने आए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है यहाँ पे और कितनी पुरानी मारते हैं यहाँ की। ये आप देख सकते हैं, ये मिर्जा गालिब का स्टैचू है और ये इनके हाथ से लिखी हुई ओरिजिनल बुक है। और ये उनके लिबास बहुत ही खूबसूरत, गालिब की जीवन गाथा के कुछ अंश। बहुत ही सुंदर है। ये देख सकते हैं, ये उनकी वाइफ के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा यहाँ पे इस टाइम इनको दिया गया है। और आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तेरे वादे पर जे हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी के मर ना जाते अगर एतवार होता। आज भी पत्थर देखो हैं, पत्थर मतलब सुंदर लग रहा है। तो अगर आप लोग दिल्ली घूमने आए और अगर आपको इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और अगर आप बहुत अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो आप गालिब की हवेली आ सकते हैं। ये पूरी एंटायर हवेली जो है ये मिर्जा गालिब की है, लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट जो है इस टाइम म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। ये मुगल एम्परर ने इनको एज ए गिफ्ट दिया था। ये ओरिजिनल बुक है उनके हाथ की लिखी हुई, अमेजिंग। ये हवेली उनका रेजिडेंस हुआ करता था।
था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ना होता मैं तो क्या होता। और ये उनका चेस बोर्ड, ये चौपट चौपड़ी है कहते हैं ना। तो देख सकते हैं कि ये गालिब की हवेली है और ये गालिब की हवेली बहुत पुरानी है और मुगल एम्परर या मुगल राजाओं ने ये उनको ऐसा गिफ्ट दिया था और इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। देख सकते हैं यहाँ के पत्थर आज भी किस तरीके से हैं और किस तरीके से रोशनदान हैं। और अब यहाँ के इंटीरियर देख के खुद पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको इतिहास से बिल्कुल प्यार है तो आपको एक बार यहाँ पे आना जरूर बनता है। अगर आप यहाँ पर आए तो देखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब किस तरीके से यहाँ रहते थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी होगी इस हवेली के अंदर। वैसे तो इस हवेली का बस थोड़ा सा ही जो पार्ट है वो म्यूज़ियम के लिए म्यूज़ियम में कन्वर्ट है, अदरवाइज़ बाकी एरिया जो है वो एज अ शॉप को कन्वर्टेड किया गया है। लेकिन बहुत ही सुंदर है। और अगर आप दिल्ली घूमना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो हिस्टोरिकल हो और वाकई में जिसका वजूद आज भी ज़िंदा हो, तो आप यहाँ पर आएँ और आके मिर्ज़ा गालिब की हवेली पर आएँ, उनसे मिलें, उनको पहचानें और देखें कि किस तरीके से इनकी हवेली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आलीशान है। इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। तो ये था आज का व्लॉग हमारा जो हमने कवर किया दिल्ली के अंदर मिर्ज़ा गालिब की हवेली के लिए। तो इस तरीके के व्लॉग को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं इसी तरह इतिहास के पन्नों में से बहुत अच्छे अच्छे इतिहास के पन्ने आपके साथ खोलूँगा और आपको उन पन्नों से मिलवाऊँगा और आपको लेके आऊँगा उस जगह जहाँ वो हमेशा रहते हैं। आज भी मिर्ज़ा गालिब यहाँ पर होंगे और हमें देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इबारत है इनकी। तो आज का छोटा सा व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आप ऐसे व्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे ज़रूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।
हाँ।